नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, हमारे देश में हर साल दहशतवादियों द्वारा मारे जाने वाले लोगों से कई गुना लोग सड़क पे गड्ढों के कारण होने वाले एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में वर्ष 2017 में रस्तों पे जो गड्ढे हैं उसके कारण होने वाले एक्सीडेंट में 3,597 लोग मारे गए। उसी साल दहशतवादियों के हमलों में 803 लोग मारे गए। 2016 से यदि 2017 का फिगर कंपेयर किया जाए तो 2016 में जितने लोग गड्ढों के कारण मारे गए थे उससे 50% ज़्यादा लोग 2017 में मारे गए। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा राज्य है जहां गड्ढों के कारण ज़्यादा लोग मरते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। खबर के पीछे की खबर यह है, जो लोग हमारे यहाँ रस्तों पर गड्ढों के कारण मारे जाते हैं उसके पीछे भ्रष्टाचार ही मुख्य कारण है। हमारे यहाँ जब सड़क का निर्माण होता है तो सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार करोड़ों कमाने के चक्कर में घटिया सामग्री यूज करते हैं और उसी के कारण पहले बरसात में ही रास्ता अपनी औकात दिखा देता है। दूसरी ओर बने हुए सड़क को मेंटेन करना और रिपेयर करना, उन गड्ढों को पाटना, इसके लिए हर साल हर जगह बड़े बड़े बजट तय किए जाते हैं। यह एक दूसरा भ्रष्टाचार का उद्योग है। हर साल करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए गड्ढों के लिए आवंटित होते हैं। गड्ढे भरे भी जाते हैं लेकिन फिर एक बरसात के बाद वो फिर अपना मुंह लेके सामने खड़े हो जाते हैं। जिस दिन हमारे देश में आम आदमी के इंसान की जान की कीमत ठेकेदार अपने मुनाफे से बड़ी मानेगा, उस दिन शायद हमारे देश में ऐसे एक्सीडेंट रुकेंगे। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।